आम आदमी पार्टी द्वारा चंडीगढ़ में भगवंत मान की ताजपोशी किए जाने पर लुधियाना से विधायक सिमरजीत सिंह भैंस ने बधाई दी है और साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। कहा कि पंजाब में नशे के मुद्दे पर बिक्रमजीत सिंह मजीठिया से अरविंद केजरीवाल द्वारा माफी मांगने, भगवंत मान द्वारा इस्तीफा दिए जाने व हमारी पार्टी की ओर से अलायंस तोड़ा गया था। कहा कि यह सब 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए राजनीति करना है। वहीं लुधियाना से लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए बैंस ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें हुक्म लगाएगी तो वह चुनाव लड़ेंगे। कहा कि दुआबा में बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें और खैरा पार्टी को बठिंडा से 1 सीट, लोक इंसाफ पार्टी को लुधियाना से 1 सीट व बाकी 7 सीटें फ्री रखी गई हैं। कहा कि अगर पार्टी ने हुक्म लगाया कि हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ लड़ना है तो वह लड़ेंगे। भगवंत मान जी ने रिजाइन क्यों दिया? जिहड़ियां गल्लां नूं लै के भगवंत मान जी ने रिजाइन दिता वो गल सी अरविंद केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया चिट्टे तो दोष मुक्त करता। उही अरविंद केजरीवाल जिहड़े 2017 दी असैंबली इलैक्शन दे विच लामसाल कट्ठां दे विच पंजाबियां नाल प्रोमिस करके गए थे चिट्टा सब तो वड्डा व्यापारी विक्रम मजीठिया। विक्रम मजीठिया को पार्लर से पकड़ के जेल में फेंक दिया। तो उही अरविंद केजरीवाल जी मजीठिए को माफ़ी मंगते हुए क्लीन चिट भगवंत मान रिजाइन कर गया, अमन अरोड़ा रिजाइन कर गया। लोक इंसाफ पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नालों इसे गल में लैके नाता तोड़ लिया। आया कि अज अरविंद केजरीवाल जी ने जब मजीठिए क्लीन चिट देंदे हुए माफ़ी मंग रही थी वो वापस ले लिया काम। भगवंत मान की ताजपोशी ये सिर्फ तो सिर्फ निरोल 2019 लोग सभा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर अपने तानाशाही रवैये कारण खात्मा तय होया है। उस खात्मे कितना कितने कोई संजीवनी बूटी ये कह लिए भी कितना कितने कोई कुदरती साह मिले जो वेंटीलेटर के उत्ते आम आदमी पार्टी का सक्रिय रहा। सो इस करके जोड़ा ताजपोशी का ड्रामा हो जा रहा, इस ड्रामे दियाँ भगवंत मान जी को वार कर आम आदमी पार्टी का जो अंदरूनी कटोपलेस है किसी को भी गुजा छिपा नहीं। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी की लीडरशिप से तानाशाही हो जाएगा, पंजाबियों के हकूक के नाल गदारी कर। उही अरविंद केजरीवाल पंजाब के आते थे पंजाब के हकूक की गल करते, पंजाब के पानिया की कीमत की गल करते, बादलों के माफिए पढ़ के सजावां की गल करते। अज दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उत्ते बादलों की इंडो कनेडियन बस ट्रांसपोर्ट जी माफिया बन के लुट कर रही है। तो जी रोडवेज से पी आर टी सी की वॉल्वो जी 900 रुपये के दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रियों को लैके जाती है तो अरविंद केजरीवाल ने फड़ के दिल्ली के थाने से बंद कर। सो पंजाब के लोग सारिया गल् समझते हैं। अज पंजाबी आम आदमी पार्टी में तुम अस्तीफिया की गल की 2019 EVM का रिपोर्ट कार्ड दिखाओ फिर तुम्हें पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी का जोड़ा चेहरा बेनकाब हो चुका, पंजाबी समझ चुके हैं कि यह सिर्फ तो सिर्फ दिल्ली वास्ते पंजाब के हकूकों की बलि देने पंजाब से। आम आदमी पार्टी अकाली दल सुखबीर बादल केजरीवाल की तरह सिमरजीत बैंस खुद तानाशाह ने जो मेरी पार्टी की कोर कमेटी मेरे लिए हुक्म करूगी उस हुक्म का ताबेदार बन जाऊंगा। वो जी खबर लगी है ना वो तुम व्याख्या इंटरप्रिटेशन गलत कर, वो खबर हैगी बठिंडा तो खैरा साहब की पार्टी, दुआबे दियां 2 सीटां तो बहुजन समाज पार्टी, लुधियाना लोक सभा लई लोक इंसाफ पार्टी 7 सीटां असी सिंगल टिक की, मतलब जिन्हां दे उत्ते कोई दो रावां नहीं पार्टियां दे विच वंड की आ। पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस दे विच शामिल सारियां धिरां किहड़े किहड़े सैगमेंट तो इलैक्शन लड़नी वो सैगमेंट वाइज खबर हैगी आ। उहदे च हजे उम्मीदवार घोषित करने की किहड़े सैगमेंट तो किहड़ा कैंडीडेट चोन लड़ेगा ये तय करके थोड़े को सिमरजीत बैंस को हुक्म ला दूगी कि बीबी हरसिमरत कौर बादल कितने बठिंडे भज के किसी खब्बे सज्जे हल्के में चले जाऊगी उतों हुक्म ला दू पार्टी चल वही बादलों की नूह के खिलाफ तो सिमरजीत बैंस जवाब थोड़ी दूगा। लोक इंसाफ पार्टी का वफादार सिपाही है सलूट मार के मनने भी चलिया जो असल से कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस हुकूमत पाटो ताड़ का शिकार हो मुख्यमंत्री की कुर्सी में लैके रौले पे अल्टीमेटली पंजाब के लोगों का लॉस हो पंजाब का नुकसान हो। उही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सूबे की भलाई वास्ते लोगों की भलाई वास्ते समा लाना से अब अपनी कुर्सी में बचाने लगे
वो अपनी कुर्सी को बचाने वास्ते स्टेट के ब्यूरोक्रेसी का अफसरशाही का कांग्रेस हाईकमांड का और कांग्रेस पंजाब के लीडरशिप का सहारा लेंदे कि मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी तरीके पर। ये नवजोत सिद्धू कहते ना कि कांग्रेस का कैप्टन राहुल गांधी है, तो नवजोत सिद्धू नहीं बोलता, तू नहीं बोलती रकाने, तू नहीं बोलती, तेरे तेरा यार बोल, उसके पीछे उसके कोलों कहाया जा रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह लाभे करने वास्ते मुख्यमंत्री की कुर्सी का। ये सारी जी पटोताड़ कांग्रेस के अंदर है, ये सिर्फ तो सिर्फ अहदेदारियां से कुर्सिया की प्राप्ति वास्ते, पंजाबियों के पंजाब के भले वास्ते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लुधियाना।